हेलो किड्स वेलकम टू अनुदीप योर स्टडी बडी सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक मेटल एंड नॉन मेटल्स हम जानते हैं हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे मटेरियल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे आयरन अलमीरा हो गया यूटेंसिल्स हो गए ग्लास हो गया वुडन टेबल हो गया सो so हर मटेरियल के पास उसके स्पेशल एंड स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जो उसको दूसरे मटेरियल से अलग बनाते हैं जैसे कुछ मटेरियल सॉफ्ट होते हैं कुछ हार्ड होते हैं कुछ इजीली ब्रेकेबल होते हैं कुछ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं कुछ में शाइन होती है कुछ डल होते हैं सो so, ऐसे अलग अलग टाइप के सब्सटेंस होते हैं नाउ, एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच इज अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम एंड एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन इंटू सिंपलर सब्सटेंसेज फॉर एग्जाम्पल अगर हमने गोल्ड लिया सो गोल्ड के अंदर सिर्फ गोल्ड के आइटम्स होंगे एंड दिस गोल्ड कैन नॉट बी फर्दर ब्रेक डाउन इफ यूकेट द गोल्ड एटम ओनली सो इसी तरह के हंड्रेड एंड एटीन एलिमेंट्स आर नोन टिल नाउ नाउ दिस एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इन टू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज फर्स्ट मेटल्स and second non metals. so let's start with metals. ab metals ki physical properties padhte hain physical properties matlab kya wo characteristics of substance जो हम observe कर सकते हैं या measure कर सकते हैं. observe कर सकते हैं मतलब हम उसका appearance, texture, odor, color, shape ये सब observe कर सकते हैं. और मेजर क्या कर सकते हैं उसका टेम्परेचर मेल्टिंग फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वॉल्यूम लेंथ ये सब हम मेजर कर सकते हैं सो so, ये सारी प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज अब मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट है लस्टर लस्टर मीन्स शाइन अ सॉफ्ट ग्लो दैट इज़ कॉल्ड लस्टर फॉर एग्जाम्पल आपने अगर गोल्ड देखा कॉपर देखा यहाँ पर तो उनमें शाइन है तो सारे मेटल्स में लस्टर होता है एक सॉफ्ट ग्लो होता है

ठोक कर ठोक पीट कर पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग फॉर एग्जाम्पल गोल्ड हम फिर से गोल्ड का एग्जाम्पल ले रहे हैं बिकॉज गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल उसके अलावा जो मेलिएबल मेटल होते हैं दैट इज आयरन सिल्वर कॉपर लिथियम नाउ कम टू डक्टाइल। टाइल वॉट इज डक और डकटिलिटी इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच इट कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच्ड इन टू वायर विदाउट uh, ब्रेकिंग जैसे हम उस मेटल को खींचेंगे स्ट्रेच uh, करेंगे पुल uh, करेंगे तो वो वायर में कन्वर्ट होता है विदाउट ब्रेकिंग फॉर एग्जाम्पल सिल्वर कॉपर गोल्ड दीज आर डाइल मेटल्स नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरली मेटल अलाव हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली फॉर एग्जाम्पल कॉपर Uh, aluminum gold now mercury is also an excellent liquid conductor why it is called liquid conductor because mercury is the only metal which is found into the liquid state now you can relate key electric wires are made up of copper and aluminum why because these both metals are good conductor of electricity नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इज सोनस सो वॉट इज सोनोरस वैन द वैन द थिंग्स मेड अप ऑफ मैटल स्ट्रक हार्ट दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटल इज कॉल्ड सोनोरस सो नाव यू कैन रिलेट जब आप मंदिर में घंटी बजाते हैं या फिर uh, पुराने स्कूल्स में जब उनकी बेल बचती थी तो दे बोथ द मेटल स्ट्रक टुगेदर एंड दे प्रोड्यूसेज अ रिंगिंग साउंड and it is called sonorous property. After the physical properties of metals, now we will study the occurrence of metals. Occurrence of metals मतलब ये metals हमें nature में कैसे मिल सकते हैं So most of the metals reactive होते हैं nature में so ये combined state में हमें मिलते हैं उसे कहते हैं minerals. ऐसे मिनरल्स जिनसे हम मेटल्स को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उन्हें ओर्स कहा जाता है और जो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी अब नेचर uh, में कुछ अनरिएक्टिव मेटल्स भी होते हैं जो कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटेनियम मर्क्यूरी इज दिस सिल्वर वाइट लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम फॉलोड बाय आयरन हेयर आर सब कॉमन ओर वो ओर जिनसे टेबल में मेंशन में पर्टिकुलर मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ए एल उसका सिंबल uh, है वो बॉक्साइट या क्रायोलाइट ओर से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है नेक्स्ट कॉपर कॉपर को कॉपर ग्लैंस क्यूपराइड या मेलाचाइट से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है सिमिलरली टेबल में और भी मेटल्स बताए गए हैं जिनको पर्टिकुलर किस ओर से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है नाउ एज वी कंप्लीटेड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल वी आर गोइंग टू सॉल्व वन क्वेश्चन विच इज फ्रॉम ओलम्पियड प्रिपरेशन गाइड एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल विल बी सोनोरस इन नेचर कॉपर वेसल स्टील स्पून wooden chair glass vase iron nail now as we know copper vessel iron nail and steel spoon are metallic in nature so they will produce sonorous sound so here our answer will be a here we completed the physical properties of metals in next video we will learn about the non metals if you enjoyed this video then please like it and subscribe our channel Thank you.